या तो कब लेके आऊं? वन हुआ है ना। वेद अभी नाश्ता करके बैठा है, 11 बजे उसका नाश्ता हुआ और यहाँ पर हमारी पैकिंग की तैयारी चल रही है। अभी तो निकाले हैं, बैग में डालने बाकी है। तो चलो वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब कैसे हो जरूर बताना। और जैसे मैंने आपको टाइम बताया, हम सूरत जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि 7 अप्रैल को वेद की स्कूल खुल रही है और इसलिए हम सूरत जा रहे हैं। घर की सफाई करूंगी, ये सारे काम करूंगी, मेरे भी कुछ काम रहते हैं वो भी ख़त्म करूंगी और वीडियो बन पाएगा तो मैं बना लूंगी। वहां से यहां आने के बाद मैं एडिटिंग करूंगी वीडियो का और फिर अपलोड करूंगी। तो इस बीच में शायद वीडियो ना डाल पाऊँ। तो 8 दिन का तो प्रोग्राम है हमारा जाने का, देखती हूँ। क्योंकि हमारी जो कज़िन सिस्टर है ना, उसके सारे बच्चों की एग्ज़ाम चल रही है अभी और वेद की अभी छुट्टियाँ चल रही है, इसलिए मिलना हो पाएगा तो ठीक है, वरना ऐसे ही चले आएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये चाय पत्ती के साथ फ्री में आया है, ठीक ठाक है इसकी क्वालिटी। और इसके ग्लास के सेप पूछे से देखो, फ्री में आने वाली चीज़ कैसे होती है। और आज मैंने बहुत सारे कपड़े धो दिए हैं। जो रजाइयाँ होती है ना, वो भी मैंने वॉश करके डाल दी है, 2 ही डाली है अभी, एक बाकी है तो सूरत से आ जाने के बाद डालूंगी। तो ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी, शॉर्ट वाला वीडियो ही बनाऊंगी मैं। और केले और मेथी के पकौड़ी वाली रेसिपी मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ, तो चलो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। केले और मेथी के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने धनिया को वॉश करके लिया है और मेथी को भी वॉश करके लिया है, अदरक है और हरी मिर्च काट के ली है और हरा लहसुन है, 1/2 कप जितना मैंने बेसन लिया है और 2 पके हुए केले लिए हैं। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। केले हमें पक्के लेने हैं, ये केले की स्वीटनेस थोड़ी कम है तो इसलिए हम थोड़ा सा शुगर भी डालेंगे इसमें, स्वीटनेस ना के बराबर है इस केले में। तो 2 केले लिए हैं और इसको फोक की मदद से हमें मैश कर लेना है। देखो थोड़ा कच्चा जैसा है, पर आप थोड़ा पक्का वाला लेना। इसको हमें मैशर से मैश नहीं करना है और छीनना भी नहीं है, इस तरीके से फोक से मैश करना है। देखो इस तरीके से हमने मैश कर लिए हैं केलों को। इसमें हम मसाले कर लेते हैं। इसमें हम 3 चौथाई हल्दी डालेंगे थोड़ी सी ही, और थोड़ी सी हींग डालेंगे, नमक भी लेंगे थोड़ा सा ही डालेंगे, बाद में आप चाहो तो डाल सकते हो। 1 टीस्पून जितनी हम चीनी लेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें हम कटी हुई मेथी डालेंगे और धनिया डालेंगे। और लहसुन डालेंगे, अदरक भी डालेंगे और हरी मिर्च भी डाल देंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बेसन भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर पानी की बहुत ज़रूरत नहीं है हमें, केला हमारा बहुत पका नहीं है इसलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2-3 चम्मच जितना। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता है, मैंने 3 चम्मच में डाल दिए हैं। अब इसका बैटर बना लेंगे।
इसका बॉटर बहुत गीला नहीं बनाना है हमें। देखो इस तरीके से है, इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे हम ढककर। चलो 5 मिनट हो गए हैं तो देख लेते हैं। देखो बेटर एकदम अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे, बस इतना, और ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे तो इनो अच्छे से सोडा हमारा एकदम फूट जाएगा। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो चलो बेटर मिक्स हो गया है तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आंच को मध्यम रखेंगे और बनाना स्टार्ट करते हैं। और अब इसको हमें गोल गोल नहीं बनाना है, हाथों से फैला कर ही बनाएंगे। इसका कोई शेप नहीं होता, अनशेप ही होते हैं। ऐसे ही हाथों को फैला कर हमें बनाना है। आंच को मध्यम ही रखना है वरना बाहर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ये केला है ना, इसलिए थोड़ा सा लाल ही रहता है। चलो ये फ्राई हो गए हैं तो निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से मैं दूसरे भी बना दूंगी।